अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम करता हूँ आप तमाम व्यूवर्स को जमशेद आस में इंफॉर्मेटिव चैनल पे। जुनेद जमशेद एक बार फिर आप तमाम व्यूवर्स की खिदमत में हाजिर है। तो व्यूवर्स, आज हम तालीमी बाग में मौजूद हैं जो कि आयशा मंजिल ब्लॉक 14 में मौजूद है और काफ़ी मशहूर जगह है। यहाँ पर लोग फैमिलीज़ के साथ गेट टुगेदर करने आते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ बाग का, और साथ साथ आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि आज हम यहाँ के मिनी ज़ू में विज़िट करेंगे और यहाँ पे कुछ नायाब जानवर मौजूद हैं। वो आप तमाम व्यूवर्स इंट्रो वीडियो में पहले ही देख चुके होंगे। तो हम यहाँ पे मालूमात लेंगे कि किस तरीके से इनको मैनेज किया जा रहा है और किस तरीके से यहाँ पे इनको रखा जा रहा है। तो आइए यहाँ पर जो केयर टेकर हैं, ऑनर हैं मिनी ज़ू के, उनसे बात कर लेते हैं। तो व्यूवर्स, यहाँ पर हमारे साथ इस मिनी ज़ू के ऑनर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, खैरियत से हज़रत? अल्लाह करम सर, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बताएं, यहाँ पे ज़ू में कितने जानवर मौजूद हैं, कितनी वैरायटी के? सर यहाँ पे बर्ड से रहकर, रेप्टाइल से लेकर, फिशेस से लेकर, हमारी पूरी कोशिश है कि हर तरह का, हमने यहाँ पे हर तरह का एनिमल्स की जितनी स्पीशीज़ होती हैं वो हमने रखी है। काउंटिंग में तो मेरे भी अंदाज़ा नहीं है, लेकिन अराउंड होंगे कुछ नंबर ऑफ़ अगर एनिमल्स पर जाएँ तो 60-70 तो होंगे टोटल मिला के। ओके, तो मल्टीपल ब्रीड्स के यहाँ पे एनिमल मौजूद है जिसमें रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, इसके अलावा फर्दर ये रैबिट्स वगैरह में भी काम कर रहे हैं। तो मल्टीपल ब्रीड्स के जो एनिमल रखते हैं एक साथ, तो उनकी केयर अलग अलग तरीके से होती है? अलग अलग तरीके से होती है, अलग अलग तरीके से उनके केजेस हमने डिज़ाइन किए हुए हैं, अलग अलग उनकी डाइट, अलग अलग फीड होती है, हर चीज़ उनकी उसी नौइयत से होती है, उसी हिसाब से इनकी केयर करनी पड़ती है। हर जानवर की एक अपनी अलग नौइयत है। अच्छा, ये मिनी ज़ू इंट्रोड्यूस कराए पे कितना टाइम हो गया यहाँ पे? ये हमने लॉकडाउन जिस दौरान था उस दौरान हमने बनाया, और अभी इसको खोले हुए 2 महीने हुए हैं। लेकिन ये पार्क जो है तकरीबन 1984 से बना हुआ है, मगर इस पार्क के अंदर पहली दफ़ा ये एक्टिविटी हो रही है। सो फार कैसा रिस्पॉन्स रहा शुरू के जो 2 महीने, क्योंकि उसमें 1 महीना तो बीच में मुहर्रम भी था, तो हमने ख़ुद भी इसको उस हिसाब से क्लोज़ किया हुआ था उन टाइमिंग्स में। लेकिन जो ओपन, जो इसमें लोग हफ्ता इतवार जो हमारे पास आते हैं, वो अच्छी खासी पब्लिक आती है, मोर देन 1500-2000 लोग हमारे वो विज़िट कर रहे होते हैं एवरी वीकेंड पे यहाँ पे। तो व्यूवर्स आइए विज़िट कर लेते हैं, आप तमाम व्यूवर्स को मिनी ज़ू का विज़िट करा देते हैं, फिर अपने इन्फॉर्मेशन सेक्शन पे चलेंगे और तमाम जानवरों की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। तो व्यूवर्स, क्यों ना क्रोकोडाइल से स्टार्ट लिया जाए। जी जनाब, मैं चाहूँगा सबसे पहले व्यूवर्स को ये दिखा देते हैं। जी तो व्यूवर्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये क्रोकोडाइल बेसिकली बेबी है, अभी भी काफ़ी छोटा है। तो इसके मुतालिक मालूमात कर लेते हैं। जी जनाब, ये एक क्रोकोडाइल है और तकरीबन ये अभी 3 साल का हो गया है, और ये एक वाइल्ड एनिमल है, ये एज़ अ पैट नहीं है, ना तो ये पैट रखा जा सकता है, लेकिन कोई ज़ू या फार्म हो तो उसमें फिर इसको रखा जा सकता है तरीके से। इसका जो केज है, अभी हम एक डेवलपिंग प्रोसेस में इसका एक केज बड़ा बना रहे हैं मज़ीद, जिसके अंदर इसको एक बड़ा सा पाउंड देंगे। वैसे इसके लिए हमने एक बड़ा सा टब भी रखा हुआ है, लेकिन जो विज़िटर्स के जो टाइमिंग होते हैं उसके अंदर फिर हम ये टब रिमूव करते हैं, शाम के टाइम पर रिमूव कर देते हैं, पूरा दिन फिर वो टब रहता है। तो इनके लिए पानी ज़रूरी होता है, साथ साथ इसकी जो डाइट है उसमें मेंढक है, चूहे हैं, और मुर्गी के जो छोटे साइज़ के जो चूज़े होते हैं वो हैं, साथ में चिकन मुर्गी की कलेजी है, और बीफ, ये इसकी डाइट शामिल है। तो उसको टाइम बाय टाइम देते हैं, ये रोज़ नहीं खाता है, 2 से 3 दिन में एक दफ़ा इसको उसकी खुराक देते हैं, जितना ये पेट भर के खा सकता है तो ये खा लेता है। क्रोकोडाइल की देखें खास बात ये होती है, एक तो बड़े हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, दूसरा ये अगर ये बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो इनकी जो टेल जो है ना बहुत ज़्यादा फैटी हो जाती है, बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है। दुम का मोटा होना उसकी सेहत की साबित करता है कि कितना अच्छी तरीके से ये अपनी डाइट ले रहा है, क्योंकि जब इन्हें खाना अगर लंबे अरसे तक नहीं मिले, जैसे जंगलों में इस तरह से होता है, बहुत सारे मौसम ऐसे आते हैं कि इनको जंगलों में नदियों के अंदर खाना नहीं मिल पाता, सर्दियों के अंदर नहीं मिल पाता, तो ये हाइबरनेट भी हो जाते हैं। तो उस दौरान जो उनकी जो दुम के अंदर जमी हुई जो चर्बी है ये उसका इस्तेमाल करते हैं अपनी जिस्म की तवानाई पूरी करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर आपने सो फार इसकी डाइट के मुतालिक भी बता दिया। जी जनाब, यहाँ पे थोड़ी सी मूवमेंट के लिए इसको हिलाया गया, तो देखा पावर है इसमें भाई। हाँ, ये एक वाइल्ड एनिमल है, ये बहुत ज़्यादा, अगर आज के दौर का आप इसको कहे कि डायनासोर अगर इस दुनिया में कोई है तो यही वो चीज़ें हैं जो खतरनाक है। इनको देख के आप डायनासोर की झलक महसूस कर सकते हैं कि वो किस तरह के होते रहे होंगे। अच्छा, ये बताएं कि 3 साल के इतने बड़े एलिगेटर में या क्रोकोडाइल में कितनी पावर हो सकती है अभी ये केज को आराम से डिस्ट्रॉय कर दे? देखिए, ये तो क्योंकि थोड़ा सा ह्यूमन फ्रेंडली हो चुका है यहाँ पे रहने के लिए, लेकिन जैसे जैसे इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा ना, बहुत अच्छा, इनकी जो पावर है ना ज़्यादातर एक तो इनकी टेल में तो होती है, इनका जो जॉ है, जो इनका मुंह है, जबड़ा जो है, वो इतनी ताकत से खोल नहीं सकते जितनी ताकत से बंद कर सकते हैं, ये इनका एक सिस्टम है। कई 1000 पाउंड का मतलब ये वेट अपने मुंह के अंदर दबा सकते हैं, अगर किसी चीज़ को पकड़ें तो इतने ज़ोर से, मतलब शायद आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते, इनका जो बाइटिंग फोर्स आई थिंक 800 से ज़्यादा है, 800 केजी से कहीं ज़्यादा है,
ये छोटा बच्चा है तो उसका अपने हिसाब से, लेकिन जब ये बड़े क्रोकोडाइल हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं फुल साइज़ में, तो ये आपने वीडियोस में भी देखा होगा कि बड़े बड़े जानवरों को ये गिरा रहे होते हैं और मार रहे होते हैं, तो उनकी ताकत का अंदाज़ा हो सकता है। अगर हम बकरा ईद में कोई बैल को भी हम ले जा रहे होते हैं, वो ज़रा सा हमें रस्सी खींचता है तो हमें बैल की ताकत का अंदाज़ा होता है। ये उन बैलों को जंगलों में जो जंगली गायें उनको पकड़ के ये खा रहे होते हैं, तो आप इनकी ताकत का अंदाज़ा लगाएं कि इनके अंदर कितनी पावर होती है। ओके, तो ये बताएं कि अगर मार्केट वैल्यू से देखा जाए तो कितनी मालियत का होगा? ये देखें, जिसमें जो इंपोर्टेड आते हैं, एलिगेटर हो गए, कैमिन हो गए, वो तो कहीं डॉलर्स का अगर हिसाब लगाएं, उनको इंपोर्ट कराएं तो लाखों रुपए के पड़ते हैं। वैसे तो ये ऐसा पैट रखा नहीं जा सकता, लेकिन लोगों ने अगर जू में रखे हुए तो आप इसको ख़रीद और परचेज़ नहीं कर सकते, मतलब आप जू से किसी चीज़ से एक्सचेंज कर सकते हैं इसको, या एज आ गिफ्ट आपके पास आ सकता है, या एज आ रेस्क्यू आ सकता है, या एज आ कंजर्वेशन वे में आप इसको रख सकते हैं। तो क्या इसकी अभी कॉस्टिंग होगी? लाखों में होगी, लाखों में, मुझे आइडिया नहीं, लेकिन इस वक्त करेक्ट लाखों में होगी। अच्छा, ये आपके रिसोर्सेज क्या थे मंगाने के, कहाँ से आया आपके ये पास? मेरे दोस्त का एक प्राइवेट जू था, ये मेरे पास वहाँ से आया था तकरीबन। इसको मेरे पास आए हुए कुछ मंथ्स हुए, इससे पहले मेरे पास एक बेबी भी रह चुका है, तो वो बेबी भी वहीं से ही आया था मेरे पास। चलें जी, नेक्स्ट में देख रहा हूँ इसी पोर्शन में आपने ये रखी हुई है, फॉक्स है बेसिकली ये। ये एक फॉक्स है और फॉक्स की ब्रीड है रूपल्स फॉक्स, लोग इसे फेनिक फॉक्स समझते हैं मगर ये ऐसा है नहीं, ये रूपल्स फॉक है। अच्छा, हमारा जो ये सिर्फ मिनी जू नहीं है, इसके साथ हमने छोटा सा रेस्क्यू सेंटर भी बना दिया है, उन जानवरों को हम वेलकम कर रहे हैं जो किसी न किसी रीज़न की वजह से किसी न किसी मसले में रहे हों, या किसी न किसी को किस तरीके से मिले हों, ज़ख्मी हालत में या कुछ भी। ये सरजानी टाउन के एरिया से रेस्क्यू हुई थी, एक बंदे को ये मिली थी और ये छोटा सा बच्चा था, इसकी हालत बहुत बुरी थी और डायरिया भी हुआ था उस वक्त इसको, तो ये हमारे पास उस वक्त आ गया था, तो हमने इसे पाल लिया, उसको रख लिया। मगर अब ये क्या हो गया कि ये इंसानों के खाने का आदि हो गया, मतलब अब ये खुद शिकार नहीं कर सकता, तो मजबूरी की वजह से इसको अब छोड़ा नहीं जा सकता। या तो ये इस काबिल हो जाए, कैपेबल हो जाए कि अगर इसको जंगल में छोड़ें तो ये खुद खा पी सके, तो उसके ऊपर हमारी कोशिशें जारी हैं। ओके, तो बेसिकली ये रेस्क्यू की गई है फॉक्स, और नॉर्मली ये वाइल्ड है, अभी इसको आपने टेम कर दिया क्योंकि ज़ख्मी हालत में आई थी, तो इसको जो फीडिंग वगैरह करा रहे थे इस हद तक टेम हो गई है कि अभी ये जंगल में छोड़ने के काबिल नहीं है। अभी तो नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम इसको जिंदा माउस वगैरह देते हैं, ये देखते हैं कि हंटिंग कर पा रही है नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं कर पा रही, उसे खेलती है लेकिन उसको प्रॉपर हंटिंग करना नहीं आ रही है। अच्छा, ऐसी चीज़ें लोकल मार्केट में अवेलेबल होती हैं? सर, लोकल मार्केट में अवेलेबल हैं, इम्प्रेस मार्केट में भी होती हैं, बट उनको मेरे हिसाब से मेरा जो मैसेज है कि उनको ना खरीदे तो बेहतर है, क्योंकि हम खरीदेंगे तो ये चीज़ इंडस्ट्री प्रमोट होगी, उसे करना नहीं चाहिए। ये वाइल्ड एनिमल है, बहुत सारे ऐसे दूसरे एनिमल्स हैं जो हम खरीद के पाल सकते हैं, तो फिर ऐसी चीज़ें क्यों पालें जो खतरे से दो चार है। जी, तो व्यूवर्स, अब रेप्टाइल में हम स्नैक को देखेंगे, और यहाँ पे इनके पास जो मौजूद हैं ये पाइथन की ब्रीड है, वन ऑफ द फेमस ब्रीड है, और ये अपनी ताकत के वजह से काफ़ी मशहूर है और काफ़ी पावरफुल होते हैं ये स्नैक्स। इनमें जहर नहीं होता इनके जॉज में, बट वेनम होता है। नहीं, ये नॉन वेनमस स्पीशी है, इनके अंदर वेनम नहीं होता, लेकिन ताकत इतनी ज़्यादा होती है कि किसी की हड्डियाँ भी तोड़ सकते हैं, ये किसी की हड्डी पसली तोड़ सकते हैं। जानवरों को ये शिकार भी इसी तरीके से करते हैं, पकड़ते हैं, उनको रोल करते हैं और दबा के दम घोट के मार के साबुत खा लेते हैं। लेकिन बेसिकली अगर वाइल्ड एनवायरनमेंट में देखा जाए तो इनके जॉज में वेनम होता है? नहीं, ये स्पीशीज़ ही ऐसी है जिनमें वेनम ही नहीं होता। सांपों में दो अकसाम है, वेनमस है, नॉन वेनमस। जो वेनमस है उनमें कोबरा है, वाइपर्स हैं, ये सारे। जो नॉन वेनमस है उनमें बोआ है, रेड स्नेक है, पाइथन है। नॉन वेनमस से मुराद वो सांप जिसके अंदर बाय बर्थ ही जहर नहीं होता, ऐसा नहीं कि हमने पाला है तो हमने जहर निकाल दिया हो या दांत निकाल दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस नस्ल के अंदर जहर होता ही नहीं है। अच्छा, तो व्यूवर्स, यहाँ पे ये दो स्नेक इनके पास मौजूद हैं और काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट दिया हुआ है, तो ये बताएं मेल कौन सा है इसमें, फ़ीमेल, क्योंकि आप बेसिकली ये मेल है ये फ़ीमेल है, दोनों की उम्र 6 साल है, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इतना छोटा है और ये इतनी बड़ी है। पाइथन्स के अंदर जो फीमेल्स होती है ना, वो बहुत ज़्यादा मोटी, बड़ी, लंबी और ज़्यादा इनकी खुराक होती है, ज़्यादा डाइट होती है, लेकिन जो मेल्स होते हैं वो छोटे साइज़ के रह जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि ये जाइंट भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लंबे सांपों के रिकॉर्ड है, वो सारी के सारी फीमेल्स हैं। तो ये पाइथन भी, ये मेरे पास है, ये फीमेल है। अब इनका साइज़ इसलिए बड़ा होता है कि ये 22 से लेकर 100 तक अंडे देती है। जब एक चीज़ को इतनी ज़्यादा ब्रीड करनी है, इतने ज़्यादा अंडे देने, तो अल्लाह ताला ने इनको जिस्म भी इतना बड़ा ही दिया और उस हिसाब से इनकी खुराक भी बड़ी है। तो क्या डाइट क्या होती है इनकी? जो एक फुल साइज़ का जो मुर्गा होता है, ये आराम से हफ्ते में 2 खा लेती है। तो व्यूवर्स, इनके पास बेसिकली अभी 3 पाइथन मौजूद हैं, 2 तो अभी हमारे हैंड में हैं, तो थर्ड की तरफ आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं इन्होंने एक प्रॉपर एनवायरनमेंट के साथ रखा हुआ है। तो ये एनवायरनमेंट इन्होंने तैयार किया हुआ है जिसमें मैं देख सकता हूँ नीचे जो है वो ग्राउंड लेवल पे
थोड़ी सॉइल है जो मडी फॉर्म में ना, थोड़ी सी हार्ड की हुई है इन्होंने। बेसिकली पाइथन जो है ना, ये थोड़ी सी इस तरह की नम जगहों पे रहना पसंद करते हैं, जहाँ पे पानी ज़्यादा हो, हवा में नमी ज़्यादा हो। इसी वजह से हमने ये एक इन्क्लोजर बनाया। बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं है कि पाइथन्स को रखना किस तरीके की चाहिए। सांपों को पिंजरों में नहीं रखे जाते, ये इनके लिए इन्क्लोजर सेट किए जाते हैं। उन इन्क्लोजर के अंदर इनको पूरा टेम्परेचर देना पड़ता है, इनके लिए लाइटिंग सिस्टम लगाया हुआ है, फ़ैन लगाया हुआ है, और सारी ह्यूमिडिटी उसी हिसाब से रखी हुई है। उसी हिसाब से हमने टेम्परेचर दिया हुआ है कि इसको सनलाइट इनके लिए बहुत ज़रूरी होती है, तो दिन में इनको सनलाइट भी मिलती है। तो जाके आपने देखा होगा इसकी स्किन भी शाइनी है, स्मूथ पूरी है, चमकदार स्किन हो रही है। कहीं से आपको ये बीमार या इस तरह के महसूस, आंखें भी इनकी देखिए साफ़ हैं। तो जब ये खाल अपनी चेंज करते हैं सिर्फ उसी वजह से इनके स्किन का कलर डल होता है, वरना ये हमारे पास माशाल्लाह बड़े हेल्दी तरीके से ही रह रहे हैं। अभी तक ब्रीड आई है इनकी? ब्रीड नहीं आई है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि हम इनकी ब्रीड करा पाएँ, क्योंकि अब तक पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता कि किसी ने इनकी ब्रीड सक्सेसफुली कराई हो। वैसे तो चलें इंशाल्लाह, अल्लाह पाक बेहतर करेगा, काम तो आप कर रहे हैं। तो नेक्स्ट कौन सी ब्रीड दिखाएंगे व्यूवर्स को? नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, दूसरे स्नेक्स भी हैं हमारे पास, वो भी आपको दिखाते हैं। जी जनाब, ये जो आपके हाथ में मौजूद है, बेसिकली इसको कॉमन लैंग्वेज में सांडा कहते हैं। वैसे इसकी स्पीशीज़ के बारे में बताएं, इसके बारे में बताएं। ये स्पाइनी टेल लिजर्ड है। स्पाइनी टेल इसलिए कहा जाता है कि इसकी टेल के अंदर एक कांटे हैं, और उर्दू के अंदर इसको सांडा कहा जाता है। बस बदकिस्मती से इसका शिकार बहुत ज़्यादा किया जाता है, इसके लिए ऑयल्स बनाए जाते हैं, मेडिसिन में यूज़ किया जाता है। हमारा ये मानना है कि अगर इस तरह का कोई एनिमल अगर आप यूज़ कर रहे हैं किसी मेडिसिन में या किसी भी चीज़ के अंदर, तो उसकी फार्मिंग की जाए, ना कि हंटिंग। मगर इसकी इलीगल हंटिंग होती है, इसके साथ बड़ा बुरा सलूक किया जाता है। इसकी कमर तोड़ के रखा जाता है, और इसके निकलने वाली जो चर्बी है उसको जलाकर फिर तेल बनाया जाता है। तो ये हमारे पास ये भी रेस्क्यू केसेज है, और इस तरह की जहाँ भी आपने देखा होगा स्टॉलर लगे हुए होते हैं, तेल बेच रहे होते हैं, अगर उनके पास हमें कोई इस तरह का कोई लिजर्ड मिल जाती है जिनको हम रेस्क्यू करके दोबारा रिकवर कर सकते हैं, तो फिर हम वो ले आते हैं और उसको शिफ्ट कर देते हैं। फिर ये थोड़ी देर हाथ में रहने के बाद आपने देखा होगा ये स्किट कर रहा था, क्योंकि ये नॉर्मली इनको हैबिट नहीं होती इस तरह की। तो वो कमर जो तोड़ते हैं, वो मदारी, वो इसीलिए तोड़ते हैं ताकि ये इस तरीके से उनके साथ ना करे। तो आपने देखा होगा वो पत्थरों पे ऐसे ही पड़े हुए होते हैं। तो ये बिल्कुल इलीगल बिजनेस है, हम इसको सपोर्ट भी नहीं करते। जी जनाब, साथ में जो ये वाइट माउस की हमने यहाँ पे फार्मिंग कर रखी है, ये वाइट छोटे नस्ल के चूहे होते हैं, वो अल्बिनो होते हैं। इनको निकाल के मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, नॉर्मल वाइट माउस है, ये मार्केट्स में भी बहुत अवेलेबल हैं, बहुत कॉमन होते हैं। लेकिन बस इसमें से ये आपको देख के लेना है कि कहीं जो वाइट माउस आप खरीद रहे हैं वो ऐसा तो नहीं किसी लेबॉर्टरी से रिजेक्ट हो गया है। अक्सर मार्केट्स में जो बहुत सस्ते रेट्स में जो बिक रहे होते हैं चूहे, वो लेबॉर्टरी से जो एक्सपेरिमेंट करके जो रिजेक्ट हुए हुए चूहे होते हैं, वो अपने साथ बहुत सारे वायरस कैरी किए हुए होते हैं। तो इस तरह के पेट कोशिश करें किसी जगह से लें तो वो हेल्दी हों, इसका आप लोग ख्याल रखें। हमें यहाँ पर हमने इसलिए पाले हुए हैं कि हम जो है वो दूसरे जो सांप हैं और दूसरे जो ऐसे जानवर हैं उनको नेचुरल डाइट पर रखते हैं, तो ये इनकी जो ब्रीड आती है हम उनको एज अ फीड फिर यूज़ करते हैं। जी जनाब, इस स्नैक के बारे में बताएं। सैंड बोआ इसे इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में दूम वाला सांप कहते हैं। दूम वाला सांप इसलिए कहा जाता है कि इसकी टेल और इसका फेस देखें एक जैसा होता है। अगर ये अपने फेस की जगह पे टेल मूव करेगा तो आपको ऐसा लगेगा कि ये इसका फेस है और ये नहीं है। तो ये इसकी क्वालिटी, इसी वजह से इसका नाम पड़े। नॉन वेनमस ब्रीड है, मगर ये भी जो है ना पाकिस्तान में रखना इलीगल है। तो ये भी हमारे पास रेस्क्यू क्या है, रेप्टाइल्स जितने भी उसमें से 99% आप समझ लें कि पाकिस्तान में रखना वो बैन आइटम है। तो ये जो है ये दोम वाला सांप है, इसको जो है ना लोग जहरीला समझ के मार देते हैं। तो आपके चैनल पे मैं ये एक मैसेज देना चाहूँगा कि देखें हर सांप जहरीला नहीं होता, तो कोशिश करें कि उसको रेस्क्यू करें और उनको जो है किसी सही जगह पर आज़ाद करें। और नॉर्मली अगर किसी को नॉलेज नहीं तो इस तरह का कोई भी स्नेक कहीं पर भी दिखें तो उसको ऐसे भी ना पकड़े, ऐसा ना हो कि वो जहरीला और वो कोई नुकसान पहुँचा दें। हमने जो भी चीज़ें रखी है आपने देखा होगा उसके लिए प्रॉपर एक सेटअप बनाया हुआ है, प्रॉपर इन्क्लोजर बनाए हुए हैं, उसी हिसाब से उनको रखा हुआ है। इनके टेम्परेचर्स के लिए हमने लाइट सिस्टम, फैनिंग सिस्टम, एग्जॉस्ट सिस्टम, सारी चीज़ें हमने उसी तरीके से करी है ताकि कहीं निकले ना। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे किसी बंद जगह पे रख देते हैं जहाँ पे इन्हें हब्स हो जाता है या उस तरीके से नहीं होता। बहुत सारे लोग हैं ऐसे प्रॉपर एक एनवायरनमेंट में रखा हुआ है ताकि एग्जॉस्ट। जी जनाब, इसके बारे में बताएं। ये हमारे पास एक क्रोकोडाइल का बेबी है। नॉर्मली ये एक पेट लवर के पास था लेकिन वो उसे संभाल नहीं पा रहा था तो उसने हमारे हैंड ओवर कर दिया था, तब से ये हमारे पास है। अभी तो ये बड़ा हेल्दी हो गया है, और जिसे नॉर्मली क्रोकोडाइल को रखना चाहिए हमने उसको उसी तरीके से रखा है। एक्स्ट्रा टेम करने की कोशिश नहीं करी है ताकि ये अपने नेचर के हिसाब से ही एडजस्ट रहे। और इसे बिला ज़रूरत हम इतना ज़्यादा निकालते भी नहीं हैं, और इस तरीके से ज़्यादा उसके साथ कुछ एक्टिविटी भी हम नहीं करते हैं अभी। ये इम्पोर्टेड ब्रीड है? नहीं नहीं, ये लोकल ब्रीड है। ये लोकल ब्रीड है? लोकल ब्रीड है, लेकिन इम्पोर्ट अगर कराना चाहें तो ब्लैक केमन और एलिगेटर्स बड़ी कॉमन ब्रीड्स हैं जो पाकिस्तान में इम्पोर्ट की जा सकती है। अच्छा, ये जो है नॉर्मल रेड ईयर स्लाइडर टर्टल है, ये कॉमनली मार्केट्स में मिल जाते हैं 300-500 रुपए के। ये थाईलैंड से इंपोर्ट होते हैं ज़्यादातर, तो ये इंपोर्टेड ब्रीड। अगर किसी को ऐसा टर्टल रखना है तो इंपोर्टेड ब्रीड रखें, लोकल कोई भी नहीं रखें। लेकिन हमारे यहाँ पे मार्केट में अब लोकल ब्रीड ज़्यादा मिल रही है और इम्पोर्टेड कम मिल रही है, तो ये रखने के हिसाब से ये बहुत अच्छा पेट है। जी जनाब, ये जो हम देख रहे हैं लिजर्ड, इसके बारे में बताएं। ये एक मॉनिटर लिजर्ड है। ये स्कीम 33 में एक सोसाइटी के अंदर आ गई थी, और उसकी मैं वीडियो भी पड़ी हुई है। मैंने उस घर के अंदर से उसको रेस्क्यू किया था, वॉशरूम के अंदर ही आ गई थी।
तो इस तरह के जानवर हैं कराची के अंदर जो लोगों के घरों के इर्द गिर्द आ जाते हैं, लोगों ने मार देते हैं। हमारा ज़ू के अंदर जो मैंने आपको बताया था कि रेस्क्यू सेंटर है, वो इसी तरह के जानवरों को तहफ़ुज़ दे रहा है जिनको कोई रखने के लिए तैयार नहीं है। मतलब कराची के अंदर डॉग्स कैट्स के ऊपर तो एनजीओस काम कर रही है, लेकिन एग्जॉटिक एनिमल्स में कोई नहीं कर रहा। इनकी भी डाइट वैसी होती है जैसे क्रोकोडाइल? नहीं नहीं नहीं, ये अंडे खाती है, कच्चे अंडे, साथ ही साथ इसको चिकन दिया जाता है, लेकिन ये रोज़ खाती है। क्रोकोडाइल जैसे कभी कभी खाता है, इस तरह की नहीं है, इसको डेली डाइट चाहिए। और ये ज़्यादातर अंडे बहुत शौक से खाती है, जो परिंदों के अंडे होते हैं बहुत शौक से खाती है। जी जनाब, ये जो हम लिज़र्ड देख रहे हैं इसके बारे में बताएं। ये सर एक ऐसी लिज़र्ड है, इसका पाकिस्तान में बहुत बड़ा स्कैम हुआ, स्कैंडल हुआ, लोगों ने बहुत ज़्यादा फ्रॉड किए हैं। इसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर ये 100 ग्राम की हो जाए, 200 ग्राम की हो जाए, तो ये लाखों और करोड़ रुपए की हो जाती है, लेकिन ये सब कुछ स्कैम और फ्रॉड है। लेपर्ड गेको इस लिज़र्ड को कहा जाता है, और उर्दू में से कहते हैं हनखन। हनखन जो है वो सिंधी के दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। इसका मतलब ये लिज़र्ड इतनी ख़तरनाक है कि अगर इसको छुआ जाए तो इंसान मर भी सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि मैं इसको ये टच कर रहा हूँ तो कुछ भी ऐसी बात नहीं है। नॉर्मल ये लिज़र्ड होती है, हमारे पाकिस्तान के जंगलों में ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, बहुत नायाब स्पीशीज है। इसकी जो इंटरनेशनल मार्केट में कीमत है वो वाकई ज़्यादा है, लेकिन कोई लाखों करोड़ों वाला हिसाब किताब नहीं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इसके बारे में इतनी फेक न्यूज़ फैलाई गई कि लोग इसे पकड़ रहे थे, इसका बिज़नेस कर रहे थे और नुकसान भी कर रहे थे, और दूसरी बात इस नस्ल को भी ख़तरे से पहचान। इसी तरीके से एक बंदे ने हमें ये लाकर हमारे रेस्क्यू सेंटर में दे दी, उसको नहीं पता था कि ये क्या डाइट लेती है, क्या खाती है, क्या पीती है, और उसके बाद मर जाती है। इसके बजाय उसने पहले ही एक दो मार दी थी, इसके बाद ये इसने हमारे लाके हैंडओवर कर दी। तब से ये डाइट एग्स है? नहीं सर, ये कीड़े खाती है। इसके लिए रोज़ मेरे बंदे जो है वो कॉकरोचेस, ग्रास ऑफर्स और ये वाले कीड़े जमा करके लाते हैं, और ये फ्रेश जो लिज़र्ड, ये देखें इसने अभी भी स्टूल पास किया हुआ है, तो उसने जो रात को खाया था वो हज़म कर दिया। अब इसको रात को दोबारा डाइट देंगे। ये जो है रात को खाना खाती है, जब अंधेरा हो जाता है और सारी चीज़ें, इसके बाद ये जंगलों में निकलती हैं। तो हमने भी इसको नेचुरली, जब हम सब कुछ बंद करके जा रहे थे, देन इसको डाइट दे देते हैं। तो ये कॉकरोचेस और इस तरह के जो छोटे कीड़े हैं बहुत शौक से खाती है। जी जनाब, यहाँ पे देख रहा हूँ टॉर्टोइज़ की आपने स्पीशीज़ रखी हैं, तो कौन कौन सी हैं इसमें? ये टॉर्टोइज़ की हमने देखें छोटा सा इंक्लोजर बनाया हुआ है, इसको उनको नेचुरल एनवायरनमेंट दिया हुआ है। इसके ना तीन नस्लों के टॉर्टोइज़ हैं, इसके ना अफ्रीकन सुलकाटा है, स्टार टॉर्टोइज़ है और रशियन टॉर्टोइज़ है। तीनों के तीनों जो हमारे पास ब्रीड्स हैं कैप्टिव बॉर्न है। सुलकाटा के तो हमारे पास पेरेंट्स भी मौजूद हैं, हम आपको वो भी दिखा देंगे। अच्छा, जो इसके ना जो ब्लैक कलर का ये नज़र आ रहा है जिसके ऊपर स्टार्स बने हुए हैं, ये स्टार टॉर्टोइज़ कहलाता है। इसी वजह से, क्योंकि इसके ऊपर जो है ना स्टार्स बने हुए होते हैं। बहुत ही नायाब नस्ल की ब्रीड है, और ये अभी फॉर सेल है हमारे पास। ये तो ऑलमोस्ट मार्केट वर्थ जो है इसकी 45 से 50 हज़ार रुपये पर पीस चल रही है, क्योंकि 2-2.5 साल के ये अभी हैं। जो छोटे बेबीज़ होते हैं 25-30 हज़ार में मिल जाते हैं, और बड़े जो ब्रीडर पेयर हैं वो तो लाखों रुपये में होते हैं। तो बहुत नायाब नस्ल की ब्रीड। ब्रीडर कब तक हो जाते हैं ये? 5 से 6 साल का अर्सा लगाते हैं। इसमें जो मेल है थोड़ा जल्दी मेच्योर होते हैं, फीमेल थोड़ा लेट होती है। तो व्यूवर्स, यहाँ पे जो टॉर्टोइज़ मौजूद है, ये स्टार टॉर्टोइज़ है। जी जनाब, ये स्टार है? ये स्टार टॉर्टोइज़ है, देखें इसके ऊपर ये स्टार्स बने हुए हैं ऊपर नीचे तरह से, और ये बड़ा प्यारा ये खूबसूरत इसका पैटर्न होता है। ये दुनिया भर के अंदर बहुत कीमती टॉर्टोइज़ में शुमार होता है। पाकिस्तान के अंदर किसी टाइम पर अपने जंगलों में और रेगिस्तान में हुआ करते थे, अब तो ये पाकिस्तान से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, इनका कोई रिकॉर्ड अभी ऐसा मिलता नहीं है। लेकिन कैप्टिव में डिफरेंट फार्म्स पे ये ब्रीड कर रहे हैं। अभी इसकी एज तकरीबन 2.5 साल है? ये 2-2.5 साल के करीब हो गया है, और अभी इस तकरीबन 45 से 50 हज़ार रुपये का ये है। इसका जो बॉर्न बेबी होता है वो 25 से 30 हज़ार रुपये का मिल जाता है, और बड़े जो ब्रीडर पेयर हैं वो 2 लाख 2.5 लाख इस तरीके से मिलते हैं, लेकिन मिलते ही नहीं इसके पेयर्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा शॉर्ट हैं, बहुत ज़्यादा रेयर हैं। तो व्यूवर्स, अभी आपको रेप्टाइल सेक्शन दिखा दिए, यहाँ पे इनके पास जो चीज़ें मौजूद थी वहाँ पे स्नेक, क्रोकोडाइल्स वगैरह, वो तमाम चीज़ें दिखा दी। अब ये सेंटर में केज बना हुआ है बहुत बड़ा, उसमें बर्ड सेक्शन भी है और साथ में डियर्स वगैरह भी रखे हुए हैं, तो अब हम आपको वो दिखाएंगे। तो सबसे पहले केज में जिसमें हम मौजूद हैं तो वो देख लेते हैं। जी जनाब, ये जो हम फ्लेमिंगोस देख रहे हैं इनके बारे में बताएं। ये हमारा जो ना वाटर एवरी केज है, इसके नाम देख रहे हैं, इनको तालाब वाला बना के दिया हुआ है, पानी बड़ा दिया हुआ है। ये फ्लेमिंगोज़ हैं, इसके ना साथ में ब्लैक वाले भी है और पिंक वाले भी है। जो ब्लैक वाले हैं जुविलाइन है, यानी इनकी उम्र छोटी है, जब ये अपनी उम्र पूरी करेंगे तो अपना रंग साफ़ कर लेंगे। साथ में ये जो काली बत्तखें बैठी हुई हैं, ये मस्कूवी डक्स हैं, इसे मस्कूवी डक्स कहते हैं। ये नॉर्मली मार्केट्स में मिल जाती हैं 3,000 से 5,000 की, और ये हमारी कॉमन डक्स हैं। तो जितना भी हमारे पास पानी वाला आबी परिंदा आता है, उन सबको हम इस केज में रखते हैं, और वो सारे एक साथ रह लेते हैं, क्योंकि केज उनके हिसाब से बड़ा भी है, खुला भी है, और इसके अंदर एक पानी की एक अच्छी फैसिलिटी है। तो व्यूवर्स, यहाँ पे इस केज के अंदर वाटर बर्ड्स जो हैं वो रखे हुए हैं, जिसमें डक्स मौजूद हैं, फ्लेमिंगोज़ की दो वैरायटी मौजूद हैं इनके पास, जिसमें ब्लैक फ्लेमिंगो हैं
और पिंक फ्लेमिंगोज हैं। जी जनाब, यहाँ पे ये जो डक्स देख रहे हैं इसके बारे में बताएं। ये मैंड्रीन डक है, ये बहुत ही छोटी नस्ल की डक होती है। जो सामने कलरफुल आपको ये डक दिख रहा है, ये मेल डक है। इनमें जो मेल होते हैं वो कलरफुल होते हैं। और ये देखिए, अभी एक टांग पे अपनी जो है ना सोने की तैयारी में, ये जब सोते हैं तो अपनी एक टांग पे सोते हैं, और जब दूसरी टांग ये वाली थक जाती है तो फिर एक टांग नीचे करते हैं। इसी तरीके से खड़े खड़े सो जाते हैं। कभी कोई अच्छी जगह नरम मिल जाती है तो फिर ये बैठ भी जाते हैं। वैसे ये इन्हीं का, ये इनकी नेचुरल आदत है। और इसका कलर और इसका फेस और इसके जो पर पे जितने भी आप रंग देख रहे हैं सारे नेचुरल हैं। जी जनाब, यहाँ पे देख रहा हूँ गिनी पिग्स। ये गिनी पिग्स हैं, इनको अमेरिकन केवी भी कहा जाता है। इसमें दो नस्लें हैं मेरे पास, एक ये ब्राउन एंड वाइट, ये कॉमन वाले हैं, दूसरे वाइट जो है ना अल्बिनो वाले हैं। मार्केट में अभी इनकी वर्थ जो है ना 6,000 रुपये 7,000 रुपये जोड़ा चल रहा है। 8,000 का भी कोई जोड़ा बेच रहे हैं जब ये शॉर्ट हो जाते हैं। 2-2.5 महीने में एक ही दफ़ा ब्रीड करते हैं और 2 बच्चे देते हैं। और साथ में इनकी जो आवाज़ है वो थोड़ी सी ऐसी विस्लिंग टाइप की, सीटी टाइप की आवाज़ होती है। और जब ये एक्साइटेड हो जाते हैं ना बहुत ज़्यादा, तो अपने चारों पैरों पे उछल रहे होते हैं। इस एक्टिविटी को पॉपकॉर्निंग कहते हैं, जैसे पॉपकॉर्न उछलते हैं ना, इसी वजह से इसको एक्टिविटी। यूट्यूब पे भी इनकी वीडियोस बड़ी वायरल होती हैं, जब ये उछल रहे होते हैं तो बड़े क्यूट लग रहे होते हैं। जी जनाब, इस केज में देख रहा हूँ आपने गिनी फॉल रखे हुए और रैबिट रखे हुए। गिनी फॉल तो इसके अंदर अभी जब गेट खुला तो घुस गए, वैसे बाहर ही घूमते हैं। और नॉर्मल रैबिट से इसमें से एक दो नस्लें हैं जो थोड़ी सी इंग्लिश अंगोरा से क्रॉस हुई हैं, तो उनके ऊपर हल्के फुल्के फर नज़र आ रहे होंगे। बाकी के फर हमने छोटे कर दिए क्योंकि गर्मियों की वजह से। तो ये इसी हिसाब से जो है ना, यहाँ पे 4-5 रैबिट्स हैं। ये हमें किसी ने गिफ्ट किए थे कि आप अपने जू के अंदर रख लें, हमने सब। तो हमारा ये शेल्टर का भी काम है कि अगर आपके पास कुछ तरह का पेट है जो आपको लगता है हमारे जू के अंदर होना चाहिए, आपसे नहीं संभाला जा रहा, तो आप हमें डोनेट कर दें, हम उसको अडॉप्ट करके यहाँ पे रख लेंगे। जी जनाब, देख रहे हो यहाँ पे आपने डियर भी रखे हुए, तो ये जो हम देख रहे हैं इनके बारे में बताएं। ये ब्लैक बक के बच्चे हैं, काला हिरन जैसे कहते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे कि ये काला हिरन जो है ना, ये काला क्यों नहीं है। एक उम्र के बाद जाके जो इसका जो मेल होता है सिर्फ वो काला होता है। 2 साल के बाद ही अपना रंग काला करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये भी पेयर है तकरीबन 8 महीने का, तो अभी तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। फीमेल जो है सारी ज़िंदगी इसी कलर की रह जाएगी, और मेल जो है वो अपना रंग जो है काला कर लेता है। अच्छा, इसकी जो मार्केट वर्थ है वो अभी तकरीबन 2,30,000, 2,20,000 और 1,90,000 इस तरीके से होती है, इनकी उम्र के हिसाब से और इनकी हेल्थ के हिसाब से। अच्छा, फर्दर ये भी बता देता हूँ व्यूवर्स को कि जो ब्लैक बक है वो सिर्फ सर्दियों के मौसम में ब्लैक होता है मेल भी। नहीं, ऐसा नहीं है। ये नॉर्मली जो है वो ब्लैक कलर अपना कर लेते हैं, और उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि उन दिनों के अंदर ही अपना कलर ज़्यादा इन्हेंस करते हैं। जी बिल्कुल, ब्लैक कलर में जो नज़र आते हैं वो सर्दियों के यानी कि ठंडे मौसम में नज़र आते हैं, इन्हेंस कर लेते हैं अपना कलर। जी जनाब, ये जो हम डियर देख रहे हैं इसके बारे में बताएं। ये सबसे कॉमन डियर है, इसको चिंकारा कहते हैं, सबसे कॉमन डियर। और डियर में सबसे सस्ता होता है ये। नॉर्मली बड़ा पेयर 1,00,000-1,50,000 रुपये का जोड़ा मिल जाता है, और बच्चे इसके 40-45,000 से स्टार्ट हैं। और ये तो ये नॉर्मल एक डियर है। अभी आप देख रहे हैं कि ये घास खा रहा है। डे टाइम के अंदर जो इनकी रूटीन है, हम इनको घास ज़्यादा देते हैं, और अभी जैसे ही शाम होगी हम इनको इनका दाना जो है वो डिफरेंट तरह का लगा देंगे। तो हमारे पास ज़्यादातर जो जानवर उनकी प्रैक्टिस शाम की जो डाइट है वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है उनकी। शाम को हमारे यहाँ पे पार्क में थोड़ी चहल पहल होती है, तो ये थोड़े ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। अच्छा, ये बताएं कि अभी ये मेल है फीमेल है? ये मेल है सर, अभी ये अडल्ट मेल है। तकरीबन ये 4 साल का हो गया है, ये अडल्ट। तो एज क्या है इसकी? 4 साल का हो गया ना ये अभी। अप्रॉक्सीमेटली 4 ईयर्स हो गई है। अप्रॉक्सीमेटली 4 ईयर्स हो गई है इसकी। जी जनाब, ये जो हम फीजेंट देख रहे हैं इसके बारे में बताएं। ये लेडी एमरेड फीजेंट है, ये जो कलरफुल है ये मेल है इसका, और जो कलरलेस है ये फीमेल है। मार्केट वर्थ इसकी तकरीबन 70,000 से 75,000 है। और ये बड़े ही खूबसूरत होते हैं, उर्दू में से सुरखाब कहते हैं, जो कहावतों में कहा जाता है ना कि सुरखाब के पर लगे हुए हैं, तो वो यही वाले बर्ड होते हैं। इनकी सारी खूबसूरती इनके परों में होती है। अभी भी इसके जो पर है पूरी तरीके से सेट नहीं हुए हैं, वरना ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत परिंदा है। इंशाल्लाह ब्रीड करेंगे यहाँ पर। इंशाल्लाह कोशिश तो है कि यहाँ पर अंडे दे दें। अगर अंडे भी दे दें तो हम इंक्यूबेट कराने की कोशिश करेंगे। हमने उसको उसी तरीके के एनवायरनमेंट में, तो इसलिए अलग से उसको थोड़ा अलग थलग इसको सेपरेटली रखा हुआ है हमने। जी तो व्यूवर्स, ये गिनी फॉल की सबसे रेयर और स्पेशल ब्रीड है जो कि काफ़ी ज़्यादा नायाब है, तो ये भी यहाँ पे मौजूद है, इसके बारे में मालूम करते हैं। जी जनाब, ये वल्चरीन गिनी फॉल है। वल्चरीन गिनी फॉल इसलिए कहा जाता है, इसका जो शक्ल, जो सूरत जो ऊपर साइड आप इसकी देखें, गिद्ध गिद्ध नुमा होती है, गिद्ध को वल्चर कहते हैं, उसको वल्चरीन गिनी फॉल कहा जाता है। अभी तो ये थोड़ा लाइट से और इस तरह घबरा रहा है, तो सारा उसी तरफ ये अपना कॉन्सेंट्रेट रख रहा है। ये मेरे पास एक ही पीस है, इससे पहले मेरे पास दूसरे पीसेज भी आए थे, हमने सेल कर दिया। तकरीबन 1,20,000 से 1,30,000 रुपये के दरमियान इनका जोड़ा होता है। तो अभी ये सिंगल पीस रह गया, तो हमने पूरी कोशिश करी थी कि इनकी ब्रीड करा पाए, पर हमारे पास तो इनकी ब्रीड नहीं हुई। अच्छा, ये मेल है फीमेल है? ये इनका डीएनए होता तो पता चलता है, ये इस वक्त ये फीमेल है, का डीएनए हुआ हुआ है। ये फीमेल इनके पास मौजूद है अभी, और मल्टीपल आए थे जो सेल आउट हो गए। अच्छा, अगर सिंगल का देखा जाए तो इसकी क्या मालियत है? सिंगल पीस अभी अगर किसी को चाहिए तो मैं 60,000 का दे दूँगा। 60,000 डिमांड है जी। जी जनाब, ये जो हम देख रहे हैं इसके बारे में बताएं। ये मैफलून शीप है, और ये उसका मेल है। जो मेल होते हैं उनके जो सींग है इसी तरह के। ये नॉर्मली जो है हमारे पास यहाँ पे जो विजिटर्स आते हैं इसको मारखोर समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है।
तो ये जो सींग है ये इसके नेचुरल होते हैं, मैफलून शीप है। इसकी जो मालियत है मार्केट में 2.5 से 3 लाख रुपए का ये पेयर है। पहले 2 लाख रुपए का था, अब थोड़ा सा अपर इसकी डिमांड ज़्यादा हो गई है। और ये मेल है, तकरीबन ये हम सेल कर रहे हैं 1.5 लाख रुपए में। और ये बहुत हेल्दी और फिट, इसकी जो हेल्थ है आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त तरीके से ये इसकी हेल्थ है। और इसकी जो ये जो ऊन ऊपर देख रहे हैं, जो इसके खाले सर्दियों में थोड़ी सी ज़्यादा हो जाते हैं, इसके फर थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, गर्मियों में ये थोड़ा अपने बाल जो है वो कम कर देता है। तो अब जैसे सर्दी आगे बढ़ेंगी तो इसके जो बाल है ये बढ़ते जाएंगे। जी तो व्यूवर्स, ये बेसिकली आती ये भी पहाड़ से, ये मारखोर ब्रीड नहीं है ये, और होती ये भी माउंटेन ब्रीड होती ये है। पहाड़ों पर रहने वाले भेड़ होते हैं, शीप की एक इकसाम है मैफलून ना, तो ये पहाड़ों पर रहते हैं और पहाड़ों पर इसकी इनकी वीडियोस भी बड़ी वायरल होती है। सीधी सीधी दीवारों पर चढ़ जाते हैं और ऐसी जगहों पर ये पहुँच जाते हैं जहाँ पर इंसान भी नहीं पहुँच सकता, मशीनों का भी पहुँचना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये वहाँ पर भाग दौड़ रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला ने इनके जिस्म के अंदर, मैं ये देख रहा हूँ कि इनके जो फ्रंट लेग्स हैं वो थोड़े पतले हैं, पतले होते हैं, इनके जो आगे के जो खोर हैं वो भी पतले होते हैं, छोटी छोटी बारीक जो दरारें होते हैं उसमें घुसा घुसा के अपने आप को आगे चढ़ा लेते हैं। जी अल्लाह ताला ने टेक्निक रखे हैं इनके अंदर भी काफी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा बहुत ताकतवर रही है। अगर किसी को टक्कर मारे तो अभी ये इसके केज के अंदर हम जाएँ, अल्लाह ना करे कोई हमें हिट कर दे तो आराम से हड्डी पसली तोड़ देगा ये हमारी। जी जनाब, ये जो हम देख रहे हैं ब्लू एंड गोल्ड मकाऊ, उसके बारे में बताएँ। ये ब्लू एंड गोल्ड मकाऊ की ब्रीड है और कॉमन मतलब जो मकाऊज होते हैं जिसमें रेड कलर भी है, स्कारलेट भी, अलग अलग ब्रीड होती है, ऐसे ब्लू एंड गोल्ड है। मार्केट पर तभी देखें मस्ती में आया हुआ है थोड़ा, तो ये थोड़ा सा झूम रहा है इसी तरीके से, अभी थोड़ी देर में मियाँ मियाँ की आवाज़ें हैं और डिफरेंट आवाज़ें जो उसने सीखी हुई है बोलेगा। तो ये बड़े फ्रेंडली नेचर के होते हैं, लेकिन इनके बीक में बहुत ज़्यादा पावर होती है, इतनी पावर होती है कि ये जो है वो आराम से अखरोट तोड़ सकते हैं। तो बड़ा प्लेफुल इस वक्त ये मूड में है और ये सामने जो है एक्टिविटी करना चाह रहा है कोई भी। अच्छा, तो अभी इसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी? तकरीबन 2,40,000, 2,60,000, 2,50,000 इस तरीके से मार्केट्स में ये अवेलेबल है। और ये जो है ये टेम बर्ड जो होता है वो ऑफकोर्स ज़्यादा ही महंगा है, और या फिर ब्रीडर होगा तो ज़्यादा महंगा होगा, वरना नॉर्मली इनकी जो बर्थ है तकरीबन 2.5 लाख रुपये तक की ऑन एवरेज है। ये अमेजोन पैरेट है, येलो एडिट। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त ये टॉकिंग करता है, इवन जब हम शूट कर रहे थे तो जो रोने की आवाज़ें पीछे बैकग्राउंड में आ रही थी ये चिल्लाने की, वो किसी बच्चे की नहीं थी, वो यही तोता था जो कब से आवाज़ें लगा रहा था, लेकिन ये सामने नहीं बोलता, इसका ये मसला है। तो ये हम जब अपने कामों में बिज़ी होते हैं ये बच्चों की रोने की एक्टिंग करता है, आवाज़ें निकालता है, हल्ला गुल्ला करता है, शोर शराबा करता है, तो ये इसी तरीके से जो है ना ये बोलने के बड़े एक्सपर्ट होते हैं। अगर किसी को टॉकिंग पैरेट चाहिए तो अमेजोन और ग्रेस अच्छा कोई भी नहीं हो सकता। अच्छा, तो क्या डिमांड होगी इसकी मार्केट वैल्यू अगर देखिए? मार्केट में इसकी जो अलग अलग स्पीशीज़ हैं, जो नॉर्मल ब्रू फ्रंटेड है वो 30-40-50 हज़ार के भी मिल रहे हैं, येलो तो है वो तो 2 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख इस तरीके से मिल रहे हैं। तो डिफरेंट जितना बोलने वाला और जितना अच्छा परिंदा होगा उसी के हिसाब से इसके पैसे हैं। जी जनाब, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बर्ड्स में आपने टर्की भी रखे हुए हैं, इसके अलावा यहाँ पर बफ जो है हैंस भी मौजूद हैं। ये टर्की है, नॉर्मल टर्की जो होते हैं मार्केट्स में इजीली अवेलेबल हैं, 8-10 हज़ार रुपये, 12 हज़ार रुपये का जोड़ा होता है, डिपेंड करता है कलर, ये तो वाइट कलर में और पाइट्स हैं तो ये थोड़े से ज़्यादा महंगे होते हैं, ब्लैक से थोड़े ऊपर होते हैं। जी जनाब, यहाँ पे जो हम ऑस्ट्रिच देख रहे हैं इसके बारे में बताएं। अच्छा, ये तकरीबन 4 महीने का हो गया, ऑस्ट्रिच बेबी है, अभी आपने देखा होगा इसके मुँह के अंदर कागज़ था। तो ये इनकी बड़ी बुरी आदत यही होती है, जो चीज़ इनके मुँह के अंदर आ सकती है, जो ये निगल सकते हैं उनको ये खा लेते हैं, पत्थर भी उठा के खा लेते हैं, लोहे की चीज़ें भी खा लेते हैं। और एक हमारे दोस्त हैं उनका साथ तो ये सीन हुआ था, उनके ऑस्ट्रिच ने मोबाइल खा लिया था और 2 दिन तक उसके पेट में घंटी बजती रही थी, ये भी हुआ है। तो अलीम भाई का हुआ था ये सीन, वो आपको बताएंगे कभी। तो ये इसकी इनकी बड़ी गंदी आदत होती है, लेकिन इनकी ग्रोथ देखें कितनी फास्ट है। अब ये 4 महीने का चूज़ा है, इसने मेरे कद के बराबर हाइट उठा ली है और ये हाइट इनकी बड़ी ज़बरदस्त, ये मेल है, ये देखें ब्लैक कलर में अभी ये मोल्ड हो रहा है, आहिस्ता इसके जो फैदर्स हैं वो ब्लैक कलर की तरफ मोल्ड हो रहे हैं। और ये अभी बस यही है कि इसका ये रूटीन है, हम इसे बाहर भी छोड़ते हैं घूमते फिरते जो चीज़, वैसे तो उसकी बेसिक डाइट जो है वो लूसन और घास फूस है दिन के टाइम पे, और साथ में मुर्गी की जो फीड होती है वो देते हैं और थोड़ा सा दलिया वगैरह भी हम इसको देते हैं। जी तो क्या मालियत का होगा ये अभी? इसकी जो मार्केट वर्थ है अभी तकरीबन इतना बड़ा जो चूज़ा ये 40-45 हज़ार रुपये का मिल जाएगा, 45,000 तक की, 45,000 तक का एक हेल्दी इतना बड़ा मतलब 5 फुट तक का आपको बच्चा मिल जाएगा। और बाकी अगर जितना छोटा होगा फिर 20-25 हज़ार के भी मिलते हैं, वो बिल्कुल छोटे होते हैं, लेकिन जिनको एक्सपीरियंस है वो थोड़े से बड़े ही चूज़े उठाते हैं ताकि वो उस स्टेज से बाहर आ जाते हैं जिनके अंदर उनकी जो नाजुक लाइफ होती है शुरू की 1-2 महीने की, उस स्टेज से बाहर आए। तो ये फार्मिंग के लिए भी बहुत अच्छा है और ये हमारे पास देख रहे हैं टेम है, तो घर में रखने के लिए अगर किसी को इस तरह का लॉन है या घर के अंदर रखना है तो ये बेस्ट बर्ड है। जी जनाब, यहाँ पर जो हम पीकॉक्स देख रहे हैं इनके बारे में बताएं। ये मेरे पास ब्लैक शोल्डर भी है, मेरे पास ब्लू शोल्डर की भी ब्रीड है और मेरे पास पाइड भी हैं। तो अभी तो रात का टाइम हो रहा है, सारे ये अंदर इनके अंदर घुस गए हैं आप पीछे की तरफ,
और मेरे पास इसमें से जो दो फीमेल्स हैं वो थोड़ी सी इंजर्ड हैं, तो उनका मैं अभी इलाज भी करवा रहा हूँ। बाकी मेरे सारे हेल्दी पेयर्स हैं, सीज़न में इन सब ने अंडे दिए हैं मेरे पास। माशाल्लाह इस पूरे केज में से अराउंड 27-28 मैंने एग्स जमा किए थे जो मैंने इंक्यूबेटर में लगा दिए। जी माशाल्लाह देख रहा हूँ ये पाइड मोर काफ़ी ज़बरदस्त है आपका। ये पाइड मोर है, पाइड इसलिए कहते हैं, इसके ऊपर देखें ब्लू भी कलर आ रहा है, वाइट भी, साथ साथ इसके वाइट भी और नॉर्मल भी। अच्छा ये जो सीज़न है, आप सोच रहे होंगे किसी भी मेल की फुल टेल नहीं है इतने बड़े केज में, रीज़न ये सीज़न के अंदर ही अपनी टेल झाड़ देते हैं। इन सब ने टेल झाड़ी हुई और न्यू टेल इनकी आ रही है। जब इनकी दुमें आ जाती है तो माशाल्लाह 4-4 फुट 3-3 फुट की इनकी दुमें होती हैं, तो अभी सब दुम झाड़ के बैठे हैं और सब उन्हें ब्रीड करी हैं। बाकी जो सिंपल कलर में घूम रही है इनकी मादियाँ, मार्केट वैल्यू जो है इनकी ब्लैक शोल्डर तकरीबन इस वक्त मार्केट में चल रहा है 30-32 हज़ार रुपये का, और पाइड जो है वो तकरीबन 40-45 हज़ार रुपये का जोड़ा है, और सफ़ेद वाला तकरीबन 35-38 हज़ार रुपये का जोड़ा है। तो व्यूवर्स यहाँ पे आज हमने आप तमाम व्यूवर्स को ये मिनी ज़ू विज़िट कराया। जुनेद साहब की काफ़ी अच्छी एक एफर्ट से इसमें काम किया है इन्होंने, और यहाँ पे काफ़ी अच्छे एनवायरनमेंट में इन्होंने पेट्स को रखा हुआ है। इसके अलावा फर्दर यहाँ पे ये रेस्क्यू भी करते हैं जो वाइल्ड एनिमल्स वगैरह होते हैं, जो थोड़े से ज़ख्मी हो जाते हैं या इंजर्ड हो जाते हैं, तो उनको रेस्क्यू भी करते हैं। जी जिमी साहब इसके मुतालिक बताएँ। सर ये हमारा छोटा सा मिनी ज़ू है जो आपने विजिट किया, इसके अलावा एग्जॉटिक एनिमल्स का ये रेस्क्यू सेंटर है। एग्जॉटिक एनिमल देखें वो एनिमल्स हैं जिनको आमतौर पर पेट समझा ही नहीं जाता, जैसे चूहे हो गए, सांप हो गए, ये छिपकलियाँ हो गई। तो हमारी ये फैसिलिटी देने की वजह ये कि पाकिस्तान में और भी एनजीओज़ हैं जो काम करी, लेकिन वो कैट्स डॉग्स और इस तरह की चीज़ों के लिए काम करी, तो यहाँ पे इस तरह की फैसिलिटी बहुत कम है। तो हमने एक तो ये वेलकम किया कि इस तरह का कोई भी एनिमल अगर आपको कहीं पर भी मिल जाए तो आप यहाँ तक पहुँचा दें। हमारे ज़ू में तालीमी बाग में हमारा ये ज़ू है, तो हम उसको यहाँ पर रख के अच्छा सा शेल्टर कर देंगे। जब वो हेल्दी हो जाएगा तो हम उसको रिलीज़ कर देंगे, और उसकी रिलीज़ की जितनी भी वीडियोज़ होती है ऑनलाइन आ जाती है हमारे पास, ठीक है। साथ साथ जो स्कूल्स में हम अवेयरनेस का भी काम करते हैं ज़्यादातर स्कूल्स के अंदर, तो स्कूल्स के अंदर जो इस तरह के पेट शोज़ और पेट अवेयरनेस प्रोग्राम्स कराना चाहते हैं वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पे पेज है जिमीज पेट्स पेटिंग ज़ू के नाम से, और नंबर भी मैं आपको भी शेयर कर देता हूँ। तो उस शो के अंदर हम ये कुछ एनिमल्स हैं जो यहाँ से ट्रैवल कर सकते हैं, तो उनको ट्रैवल करके उन स्कूल्स तक लेके जाते हैं, और साथ में वहाँ पे बच्चों को अवेयरनेस प्रोग्राम्स देते हैं, उनको इन चीज़ों के बारे में आगाही दी जाती है, कंजर्वेशन के बारे में, ब्रीडिंग के बारे में, या किस तरह के एनिमल्स हैं, हर्बीवोरस है, कार्निवोरस है, क्या उनके सिलेबस से कनेक्ट करके हम उनको सारी नॉलेज देते हैं। तो उस हवाले से भी जो स्कूल्स ऑनर्स हैं वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बड़े मुनासिब पैसों के अंदर हम उनको ये फैसिलिटी दे सकते हैं। जी जनाब अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दें। अच्छा ये जो हमारा बिजनेस नंबर है 03133350479, 03133350479 अदील का नंबर है, ये अदील जो अभी यहाँ पे होते हैं हमारे पास। तो और हमारे जो ज़ू के जो टाइमिंग है, आप 4 बजे पार्क ओपन हो जाता है, आप 4 बजे से लेकर 9:30 के दरमियान कभी भी आ सकते हैं। मेन गेट की जो टिकट है वो 30 रुपीज़ है, और हमारे ज़ू की जो है 50 रुपीज़ है। 2 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनकी टिकट नहीं लगती, तो इन बातों का आप ख्याल रखिएगा जब भी। और ये फैमिली पार्क है तो फैमिली को हम हमेशा मोस्ट वेलकम करते हैं, और साथ ही साथ अगर कोई अवेयरनेस के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, या किसी और इदारे को हमारी किसी भी तरह की सर्विस चाहिए तो हम उसके लिए भी आपके चैनल के तवसुस से हाज़िर हैं। और आप लोगों का शुक्रिया जो आप आए और इस टॉपिक को कवर किया। वैसे तो मार्केट्स के ऊपर आप कवर करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है आई थिंक के लोगों को इससे इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, आगाही भी मिलेगी, और इन जानवरों के तहफ़ के लिए लोगों के अंदर जो है जज्बा भी जागेगा। चलिए बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह, थैंक यू सो मच। तो व्यूवर्स आज हमने आपको मिनी ज़ू का विज़िट कराया, जिमी पेट्स यहाँ पे जुनेद साहब मौजूद थे हमारे साथ, इन्होंने आप तमाम व्यूवर्स को खिदमात दी और बताया यहाँ पे एनिमल्स किस किस तरीके से रखे जा रहे हैं। ये रेस्क्यू भी करते हैं यहाँ पे, तो बेनिफिशियल ये आप लोगों के लिए, अगर कोई टर्टल्स है या इस टाइप की चीज़ आपके पास हैं और वो रख नहीं पा रहे हैं तो इनको दे सकते हैं यहाँ पर, ये केयर भी करेंगे उनकी और फर्दर उनको रिलीज़ भी कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तमाम व्यूवर्स को पसंद आए होगी, इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी बनाते रहेंगे। आप तमाम व्यूवर्स से ये कहना चाहूँगा हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। टिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।